तो बबल सॉर्ट में हमारे पास क्या चीज आ जा क्या चीज आ जाती है बेटा, कि ये भी हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास कंपैरिजन बेस्ड एल्गोरिदम ही है। बट इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने दो हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे, मींस कि जो हमारे पास हमारे एडजेसेंट एलिमेंट्स होते हैं, हम लोग अपने उन एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं एंड देन द एलिमेंट्स आर स्वैप्ड। कि अगर हमारे पास हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है, देन हम लोग क्या कर देते हैं, हम लोग उन एलिमेंट्स को स्वैप कर देते हैं। स्वैप समझते हो कि हम लोग उनके वैल्यूज को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर एक आपको एग्जांपल बताती हूँ। जैसे बेटा मेरे पास क्या चीज आ गई, अब यहाँ पर क्या हुआ बेटा, मेरे पास क्या चीज है कि मेरे पास एक एलिमेंट्स है। अब मेरे पास क्या है, 88, 33, 44, 44। अब पहले मैं क्या करूंगी बेटा, इन एलिमेंट्स को क्या करूंगी कि कंपेयर करूंगी। अब इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, स्मॉलेस्ट कौन सा है, 33 हो गया और 88 हो गया। अब यहाँ पर मेरे पास क्या हो गया कि मेरे पास स्वैपिंग हो गई, मीन्स मैंने अपने वैल्यूज को क्या कर दिया, मैंने यहाँ पर अपनी वैल्यूज को इंटरचेंज कर दिया, मीन्स कि उनकी वैल्यूज को, एक की वैल्यू को दूसरे की जगह और दूसरे को उसकी जगह पर क्या कर दिया कि स्वैप कर दिया। अब ये हो गया मेरे पास। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद इन दोनों वैल्यूज को क्या करेंगे कि इन दो वैल्यूज को हम लोग कंपेयर करेंगे। अब अगर तो यहाँ पर हमें स्वैपिंग की नेसेसिटी है कि हमें यहाँ पर उनके वैल्यूज के अंडर हमें इंटरचेंज करना है या उनकी वैल्यूज को हमें स्वैप करना है, तो हम लोग क्या कर देंगे कि इनकी वैल्यूज को हम लोग स्वैप कर दिए और हमारे पास अब ये क्या हो गया, अब ये हमारे पास एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई। क्लियर बेटा, यस क्लियर मैम। इतना। अब बबल सॉर्ट में हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे, हम लोग अपने उन एलिमेंट्स को, अपने उस लिस्ट के एलिमेंट्स को किससे रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये बबल सॉर्ट है, कि हम लोग उनको राउंड ऐसे करके उनको हम लोग मार्क करेंगे। क्लियर, एग्जांपल करें। यस मैम। हाँ, मेरे पास ऑलरेडी डन है ये एग्जांपल, थोड़ी सी बाकी हम लोग साथ के साथ करेंगे। अब देखो बेटा, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास एक लिस्ट है, अनसॉर्टेड लिस्ट है। अब हम लोग इस लिस्ट को क्या कर रहे हैं, अब हम लोग इन लिस्ट के एलिमेंट्स को, मेरे पास क्या चीज हो रही है बेटा कि हम लोग इनको कंपेयर कर रहे हैं। अब 32, 51, 27। अब देखो, अब मैंने इनको नहीं किया क्योंकि 32 एंड 51 मेरे पास क्या है, ये मेरे पास ऑलरेडी मेरे एक सॉर्टेड फॉर्म में, अब 32 51 से पहले आएगा। फिर मैंने क्या किया, 51 एंड 27 को कंपेयर किया, तो क्या हो गया, 27 मेरा पहले आ गया और 51 मेरा बाद में आ गया। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 51 एंड 85 को भी हमें करने की जरूरत नहीं है, सो दैट्स व्हाई वो हमारे पास एज इट इज रह गया। हम लोग क्या करें, 85 एंड 66 को कंपेयर करें, तो 66 आ गया, आ गया और 85 मेरा यहाँ आ गया। क्लियर हुआ, यस मैम। तो 66 पहले आ गया और 85 मेरा बाद में आ गया। अब इन दोनों के बीच भी हो गया बेटा। अब हमारे पास क्या है, अब हमारा जो कंपैरिजन है वो मेरा किसके बीच है, मेरे 85 एंड 23 के बीच। अब 23 स्मॉलेस्ट है, वो पहले आ गया, और 85 मेरा क्या हुआ, वो मेरा ग्रेटेस्ट है और वो मेरा सबसे पीछे चला गया। अब 23 85 का हो गया, अब मैं किसको कंपेयर कर रही हूँ, 85 एंड 13 को। ठीक है, 13 पहले आ गया और 85, फिर लास्ट में कौन से बचे, ये दोनों। अब देखो 85 मेरा क्या है, 85 मेरा सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट है, ऑलमोस्ट वो मेरा क्या हो गया कि एक पास मेरा कंप्लीट हो गया यहाँ पर। इसमें बेटा बबल सॉर्ट में एक हमारे पास आता है कि हमारे पास अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो हमारे पास n माइनस 1 पासिस बनेंगे, मींस 8 माइनस 1 कितने पास बनेंगे, हमारे पास 7 पासिस बनेंगे। क्लियर,
क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? यस नेक्स्ट नेक्स्ट पास खुद करोगे या वो भी मैं करवाऊं, पास टू मैं करवाऊं? क्या कर सकते हो? चलो एक बार पास टू ट्राई करो। ये वाली लिस्ट आपके पास लास्ट, हमारे पास ये है, अब इनको कंपेयर करके करो। ये वाली लिस्ट लिखो 32 27, राइट इट डाउन, 32 27, 51 66, 23 13, 57 85। चलो और साथ के साथ कोई एक स्टूडेंट अपना कैम ऑन कर दे, साथ के साथ जो कर रहे हैं, जसप्रीत कैम ऑन करके इसको सॉल्व करो एंड मुझे एक बार डिक्टेट करो इसको साथ के साथ। हाँ जी चलो स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, वैसे आप ठीक कर रहे हो जसप्रीत, बट मैं आपको एक चीज सॉल्व करके दिखाती हूँ, आपको ना इजी हो जाएगा। होल्ड ऑन, अभी एक मिनट रुको, मुझे लिस्ट लिखने दो। यही लिस्ट है ना हमारे पास, यही लिस्ट है राइट। अब हमारे पास क्या होना है, इट मींस कि हमारे पास टू में क्या चीज है कि हम लोग इनको कर रहे हैं कंपेयर। अब मैंने किस किस को किया, 27 और 32, ठीक है। ये मेरे पास लिस्ट एज इट इज, फिर मैं उसको लिख देती हूँ, 32 हो गया, 55 66 भी कर देती हूँ, फिर ये मेरे पास एज इट इज लिस्ट आ गई। अब मेरे पास क्या होना है, किनको कंपेयर करना, 51 66, ये भी मेरे पास ऐसा रहेगा, फिर मेरे पास क्या आ जाएगा, 23। अब जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या बनेगा, 32 51 66 सॉरी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 23 और 66, फिर 66 के बाद मेरे पास क्या है, 30 57 एंड 85। समझ में आ रहा है आपको मैं कैसे कर रही हूँ, 27 32 51 23 13 66 57 85, राइट, 27 32 51 23 57 66 and 85। ये मेरे पास क्या हो गया, मेरी एक सॉर्टेड लिस्ट आ गई, 85 66 and क्या हो गया मेरे पास, 57। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा, पास थ्री। अब पास थ्री में मेरे पास क्या है, 27 32 23 51 13 57 66 85। अब ये हो गया, फिर मेरे पास आ जाएगा 27 32 23 13 51। मैम मैं 2 मिनट लीव कर सकती हूँ? हाँ जी बेटा, इफ अर्जेंसी है देन लीव कर सकती हूँ, बट आपका लिंक टूट जाएगा इसमें से। ये एल्गोरिदम कर लो, क्या अर्जेंसी है बेटा सरताज कोई? मैम पापा फोन पे फोन कर रहे हैं। ओके ठीक है बेटा, ठीक है ओके, 51 बेटा, उसके बाद फिर हमारे पास 13 और हमने क्या किया, 51, फिर हमारे पास क्या आ गया बेटा, 57 66 and 85। क्लियर है बेटा इतना? यस मैम। यस मैम, नेक्स्ट नेक्स्ट वाला पास कौन बनाएगा, नौशीन? यस मैम। हाँ जी बेटा जल्दी से।
ये किस किस को समझ आ चुके हैं? किस किस को समझ आ गया बेटा? ओके वेरी गुड। पास फोर, पास फोर भी हमारे पास क्या चीज आ जाएगी कि अब अगर हम लोग कंपेयर करते हैं मैम बन गया पास फोर। शो करो बेटा पास फोर, पास फाइव, पास सिक्स। एक मिनट स्टेबल करो यहाँ पर, एक मिनट बेटा, पूरा पास शो करो, पूरा पास शो करो। लास्ट ही मुझे शो हो रहा है। देखो आपकी स्क्रीन पर ये पूरा कंप्लीट नहीं आ रहा होगा। नो बेटा पास फोर शो कर दो, अकेला पास फोर शो कर दो। पास फोर में आपके पास 27, 23, 13, 32, 51, 57, 66, 85, वेरी गुड। अब पास फाइव करो आप जसप्रीत, पास फाइव करो बेटा। यस मैम। चंदन आप भी करो बेटा पास फाइव। मैम हो गया पास फाइव। हो गया पास फाइव बेटा, शो करो। जिसका भी हो गया वो शो करो। 23। एक में इट्स ब्लर बेटा। स्टार्टिंग में क्या लिखे? मैम 23, 13, 27, 13, 23, 32, 51। देखो बेटा देखो, जब आप कहाँ पर थे? एक मिनट मैं आपको अभी बता रही हूँ। पास फोर में आपके पास आ रहे थे 27, 30, 32, 51, 57, 66, 85। हाँ हाँ पहले 23 को करो पास फाइव में, पहले 23 आएगा एंड फिर हमारे पास 27 आ जाएगा बेटा। फिर हमारे पास क्या हो गया? 13 आ गया, 32 आ गया, 1 मिनट में आपको अभी शो कर रही हूँ। हाँ बस 1 सेकेंड मेरा भी हो गया। ये देखो हाँ आप करो शो पहले नौशी। फोर्थ पास हो गया था, फिफ्थ में आपका क्या आना था बेटा? सबसे पहले मैं लास्ट बता देती हूँ। ये देखो ये हमारे पास क्या है, 23, 27 है ना। हमने क्या किया, इन दोनों को कंपेयर कर लिया, 23, 27, 13। फिर हो क्या, फिर हमारे पास ये हो गया, ये वाला आ गया 23, 13, 27, 32, 51, 57 और ये हो गया, क्योंकि हम लोग इसको आगे कंपेयर कर रहे हैं। फिर पहले इसको कर दिया, फिर हम लोग उसके आगे वाले एलिमेंट्स को कर रहे हैं। हम लोग कब तक करते हैं, हम लास्ट तक उसको कंपेयर करते हैं। फिर अब जब ये वाला हो गया, फिर हमारे पास हमारा पास सिक्स आ गया। हमने क्या किया, 23 और 13 को किया और ये हमारे पास हो गया। और पास सेवन में हमारे पास क्या हो जाता है बेटा कि हमारी जो ये लिस्ट है वो हमारे पास एक प्रॉपर सॉर्टेड लिस्ट हमारे पास बनकर आ जाती है विद नंबर ऑफ पासेस। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अभी हमने बेटा
हाँ जी बेटा क्या बोल रहे थे? बेटा मैम पास सेवन में क्या लिखेंगे, जो पास सिक्स में आया था पास सेवन में हमारे पास क्या चीज आ जाती है, हम लोग अपने ये वाले जो हमारा पास सिक्स है, अब पास सेवन में हमारे पास क्या चीज होगा, हम इनको भी तो कंपेयर करके देखेंगे ना, हम लोग जब कहां पर चले जाएंगे पास सेवन में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कंपेयर करेंगे अपने फर्स्ट टू एलिमेंट्स को। अब इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो 13 है वो हमारा क्या है, लेस देन क्या है 23। सो इट मींस कि अब अगर यहाँ पर भी हमारा कोई एलिमेंट ऐसा होता कि वो अगर हमारा चेंज ना हो पा रहा होता, हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से इन सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करते जाते हैं। तो करते गए, अब ये हमारे पास क्या हो गया, अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर तो हमें कोई भी इंटरचेंज करने की वैल्यू हमें जरूरत नहीं है। अब हमारे पास क्या होगा कि जो हमारे पास हमारी लिस्ट थी 8 एलिमेंट्स की, वो हमारे पास सॉर्टेड हो गई है आफ्टर 7th पास। मींस कि हम लास्ट में इन दोनों को भी तो कंपेयर करेंगे करेंगे ना, कि अब इनमें तो कोई कंपैरिजन करने वाला नहीं रहा। क्लियर नौशीन? यस मैम। बेटा सबको क्लियर? एनी डाउट किसी भी? अभी तक हमने 4 सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स कर लिए हैं, तो किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है इसमें? इंसर्शन सॉर्ट में कोई डाउट हो, बबल सॉर्ट में कोई डाउट हो, या फिर हमने कल दो सॉर्टिंग एक बार रिपीट कर दी मैम। हाँ बबल सॉर्ट, बेटा मैं एक बार आपको इसका ये बता देती हूँ बेटा कि बबल सॉर्ट में हमारे पास क्या होता है, हम लोग अपने एलिमेंट्स को क्या करते हैं, हम लोग अपने एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। हमारा जो मेन पर्पस है हमारे पास बबल सॉर्ट में भी, हमारा जो मेन पर्पस है वो हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास हमारी जो लिस्ट है उसको हमें सॉर्ट करना, बट किस फॉर्म में, बबल्स की फॉर्म में। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने इन एलिमेंट्स को बबल की फॉर्म में लेते हैं और उन दो दो जो भी हमारे पास हमारे एलिमेंट्स आते हैं हम लोग उनको क्या कर लेते हैं, हम लोग उन एलिमेंट्स को क्या करते हैं कि फिर कंपेयर करते हैं। कब तक? हम लोग जब तक हमारे पास हमारी जो एक लिस्ट है, अब यहाँ पर हमने क्या किया बेटा, फर्स्ट हम लोग सपोज इसको भी क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। अब 32 51 से स्मॉलर है, सो दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसे ही रहने दिया। फिर हमने क्या किया, जो नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स हमारे पास आते हैं हम उन दो एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं। हमने इन दोनों एलिमेंट्स को कंपेयर किया, 27 हमारे पास आगे आ गया और 51 हमारे पास पीछे चला गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपने नेक्स्ट टू एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, 51 और 85 में को कंपेयर करते हैं। 51 इज स्मॉलर देन 85, सो दैट्स व्हाई 51 यहां पर रह गया और 85। फिर हम लोग अपने उससे नेक्स्ट दो एलिमेंट्स जो हमारे पास टू एलिमेंट्स होते हैं हमारी लिस्ट के, उन दो एडजेसेंट एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं और स्मॉलर आगे आ गया और बिगर हमारे पास पीछे चला गया। ऐसे ही ये हमारे पास लिस्ट कैसे सॉर्ट हो रही है, 32 27 51, लास्ट वाला एलिमेंट जो सबसे बड़ा है वो हमारा सबसे लास्ट में चले जाएगा। क्लियर? यस मैम। क्लियर? फिर ये जो हमारे पास एक लिस्ट बनेगी बेटा, फिर ये हमारी नेक्स्ट पास के लिए मेन लिस्ट होगी। फिर हम लोग इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग कंपैरिजन नहीं करेंगे, फिर जो हमारे पास लास्ट में इन सारे एलिमेंट्स को, सभी एलिमेंट्स को कंपेयर करके जो रिजल्ट आता है, फिर हम लोग बेटा उस लिस्ट के ऊपर काम करते हैं और अपनी लिस्ट को सॉर्ट करते हैं। जैसे फिर ये हमारे पास एक सॉर्टेड हो जाएगी, तो फिर हम लोग इस लिस्ट को नहीं लेंगे, फिर हम लोग इस लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपनी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे। देखो पहले 85 आया था लास्ट में, फिर 66, फिर 57 आ गया, राइट? फिर 57 के बाद 51 आ गया, फिर हमारे पास क्या था कि 51 आ गया, फिर ऐसे 57 51 32 13 ऐसे ऐसे करके पीछे से हमारी जो लिस्ट होती है बेटा वो हमारी सॉर्ट होना स्टार्ट हो जाती है बबल सॉर्ट में। अब क्लियर डॉट जी? यस मैम। नाउ इट्स क्लियर मैम। कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको बेटा ना क्लियर हो?
है कोई ऐसा स्टूडेंट, एनीवन जिसको कोई भी डाउट हो बेटा बबल सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट में? नो, इट्स ऑल क्लियर, इट्स ऑल क्लियर बेटा, सबको क्लियर? सरताज, सुजाद, शंकर, मुबाशिर बेटा सबको क्लियर? जसप्रीत, नौशीन आपको तो क्लियर हो ही गया है. ओके, सो हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा क्विक सॉर्ट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई भी अपना नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर की क्लास मिस नहीं करेगा. हमारे पास हमारे दो एल्गोरिदम अभी पेंडिंग है, क्विक सॉर्ट एंड हीप सॉर्ट, एंड ये दोनों एग्जाम्स में आते ही आते हैं. सो नेक्स्ट क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा. मैं ये बार बार बोल रही हूँ, फिर मत बोलना कि हमें समझ में नहीं आया. ओके मैम. हाँ ओके, नाउ सेंड योर अटेंडेंस बेटा, सेंड योर अटेंडेंस. इफ एनी डाउट आप लोग मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर दो अगर कोई भी क्लियर नहीं हुआ. अब बट अभी बोल दो, क्योंकि अभी मेरे पास एग्जाम्पल्स हैं, फिर मैं आपको एग्जाम्पल्स के बेसिस पे नहीं समझा सकती. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ में आया? ओके बेटा, जिन जिनका हो गया है, जिनकी अटेंडेंस हो गई है, वो लिफ्ट कर दो, लीव कर दो. अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे अभी भी बता दो.